अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त वैकेंसी शेयर करने वाला हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में दोस्तों वैकेंसीज आई हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये वैकेंसीज हैं, वजारत आबी वसायल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नई नौकरियाँ आई हैं। किस पोस्ट पे है, क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, आज मैं आप लोगों का मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वैकेंसीज या इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियरिंग एडवाइजर, चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन। सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट की, 15वें स्किल की ये जॉब है, तालीमी काबिल ग्रेजुएशन और सार कंप्यूटर एप्लीकेशन का गुड नॉलेज। 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट है, पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट, 14वें स्किल की ये जॉब है, इंटरमीडिएट बेस पे, 7-200 ने टाइपिंग स्पीड मांगी, 40 अल्फाज 1 मिनट में या फिर शॉर्ट हैंड 80 अल्फाज 1 मिनट में, कंप्यूटर कलम रखता हो। 18 से 25 साल तक की एज के लिए मेरा पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सब इंजीनियर सिविल, 11वें स्किल की ये जॉब है, मैट्रिक बेस पे है और 7-200 3 साल डिप्लोमा सिविल में, 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट है, पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है फेरो प्रिंटर, 4th स्किल की ये जॉब है, मिडल बेस पे है, 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट है, लोकल अफराद अप्लाई कर सकते हैं, लोकल बेसिस पे है, यानी कि इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर, 4th स्किल की ये जॉब है, प्राइमरी बेस पे, साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक कानून को अच्छी तरह से जानता हो, 18 से 30 साल तक की एज की लिमिट है, लोकल बेसिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट में दोस्तों नाइब का सिर्फ, पहला स्केल है प्राइमरी बेस पे, 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट, टोटल इसकी 4 वैकेंसीज हैं। लास्ट में दोस्तों चौकीदार, प्राइमरी बेस पे 18 से 25 साल तक की एज के लिमिट है, लोकल अफराद अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जितनी भी वैकेंसी है टेम्परेरी तौर पे है, आप लोगों ने एप्लीकेशन के साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी तस्दीक शुदा, डोमिसाइल और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लगानी है और विद इन 15 डेज के अंदर आप लोगों ने एप्लीकेशन बाय पोस्ट पहुँचानी है। आप लोगों ने एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ओ चीफ इंजीनियर एडवाइजर और चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सिस अट्रैक्ट एवेन्यू G501 इस्लामाबाद, इस एड्रेस पे आप लोगों ने एप्लीकेशन बाय पोस्ट पहुंचानी है। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख दोस्तों 16 नवंबर 2020 है। इसके अलावा आप लोगों ने कोई किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने साथ। गवर्नमेंट इदारे में काम करने वाले उम्मीदवार अपने इदारे के थ्रू अप्लाई करें। 40 उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। इंटरव्यू के वक्त आप लोगों ने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। इंटरव्यू के लिए जाने वाले उम्मीदवार को कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। नीचे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, आप लोगों ने इसका मुकम्मल प्रिंट आउट निकाल के इसको मुकम्मल फिलअप करके साथ आप लोगों ने शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है वहाँ पर आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लगा के तस्दीक शुदा बाय पोस्ट पहुँचानी है। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वजारत आबी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये वैकेंसीज आई हैं। अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कहीं भी मसला पेश है तो आप लोग मुकम्मल रहनुमाई लिख सकते हैं, पूरे पंजाब और इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मजीद इस तरह की वैकेंसीज और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।